दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम के नए अपडेट आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे अपडेट हैं। कुछ अपडेट अभी आए हुए हैं और कुछ अभी आना बाकी हैं। कुछ टेस्टिंग में चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। ये अपडेट ऐसा है कि आप अपनी कोई भी रील्स है, कोई भी पोस्ट है, उसे आप रीशेयर कर सकते हो। जैसे कि आप पहले देखते होगे, जब आप किसी की रील्स देखते हो तो आप अपनी स्टोरी पर उस रील्स को शेयर कर सकते हो, पर अब उस रील्स को आप अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हो फीड सेक्शन पर, ठीक है। ये एक नया अपडेट आने वाला है। अभी आया नहीं है, कुछ कुछ में आ गया, कुछ में नहीं आया, ठीक है। टेस्टिंग पर चल रहा है। अगर आपने बीटा वर्जन यूज़ किया होगा तो आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दूसरा अपडेट ऐसा है कि पहले आप क्या है, कोई भी रील्स अपलोड करते थे या कोई भी पोस्ट लगाते थे, कोई कुछ भी करते थे, तो आप क्या है, हैशटैग लगाते थे। पर अब क्या होगा, पहले आप हैशटैग लगाते थे, अब आप टैग लगा पाओगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि कोई भी यूज़र है, वो टैग की वीडियो देखना चाहता है, कुकिंग की वीडियो देखना चाहता है, तो इंस्टाग्राम को समझ में नहीं आता था। आप कुछ भी टैग हैशटैग लगा देते थे, समझ में नहीं आता था। पर आप प्रॉपर टैग लगाओगे तो इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि हाँ भाई, ये वीडियो जो है, ये रील्स जो है, टैग से रिलेटेड है या कुकिंग से रिलेटेड है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, वो यहाँ पर उस यूज़र्स को दिखाई जाएगी जो उस वीडियो पर इंटरेस्टेड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है। ये दूसरा अपडेट था, बहुत ही अच्छा अपडेट लगा मुझे तो। ये सभी के मोबाइल पर अभी आ गया है, ये वाला अपडेट। चलो यार, यहाँ पर हम थर्ड अपडेट की बात कर लेते हैं। ये अपडेट ऐसा है कि आप कभी भी ये सोचते हो कि यार, मेरी जो रील्स है 6 बजे ही अपलोड होना चाहिए, शाम के 6 बजे, पर कभी कभी आप व्यस्त हो जाते हो तो आप 6 बजे तक उसे अपलोड नहीं कर पाते हो, तो अब आप उस रील्स को शेड्यूल कर सकते हो। ये एक नया फीचर्स आने वाला मेटा स्टूडियो पर। ये एक नया एप्लीकेशन है, कनेक्ट है, ठीक है, इंस्टाग्राम से, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, तो आप अपनी रील्स को शेड्यूल करके रख सकते हो, जिससे कि आप अगर उस रील्स को बना चुके हो तो वो शाम के 6 बजे ही अपलोड हो जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये एक नया फीचर्स आने वाला है इंस्टाग्राम पर। अभी मेरे ख्याल से नहीं आया है, पर आ जाएगा, ठीक है। चलो यार, यहाँ पर हम चौथे अपडेट की बात कर लेते हैं। चौथा अपडेट ये है कि यार, पहले आप क्या है, स्टोरी पर ऐड योर स्टिकर्स लगा पाते थे, तो उसमें बहुत से जो व्यूअर हैं, जो स्टोरी देख रहे हैं, वो उसमें रिएक्ट करते थे, ठीक है। पर अब आप उसे रील्स में भी लगा सकते हो। ऐड योर स्टिकर का ये ऑप्शन अब आपको रील्स में भी देखने को मिलेगा। ये नया अपडेट है, जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चौथा अपडेट था। अब आपको मैं लास्ट अपडेट बता देता हूँ। ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम समझता है कि यार, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अब वो क्या है, इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर्स कभी कभी आ जाता है, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। ये ऐसा है कि आप अब इंस्टाग्राम पर शॉपिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम जानता है कि भाई, सभी लोग जो है आजकल शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो अब आपको इंस्टाग्राम पर ही शॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ भी, अब तो एक और नया अपडेट आने वाला है इंस्टाग्राम पर, जिससे आप क्या है, पहले क्या था, टिकटॉक में आप जो टेम्पलेट लगा पाते थे रील्स के बाजू में, आ जाएगा वो भी ऑप्शन, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो इसमें भी आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। ये नया अपडेट आने ही वाला है। मतलब इंस्टाग्राम यार कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब यहाँ की कॉपी करना, वहाँ की कॉपी करना, अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ही बेहतर बनाना। मतलब वो ये सोच रहा है कि यार, ये बहुत से जो एप्लीकेशन है, ये उससे आगे ना बढ़ पाए, खासकर ये शॉर्ट जो वीडियो बन रही हैं इससे रिलेटेड, तो ठीक है, तो आप तो समझ गए होगे। तो बस यही था आज का अपडेट। ये 5वां अपडेट में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखें, एंड बाय।